नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अव न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह। आज डेहरी प्रखंड कर्जालय में पंचायत चुनाव को लेकर आज भी गहमागहमी रहा। वही नामांकन करने के बाद अपने समर्थकों के साथ अपनी अपनी जीत का दावा मीडिया के सामने कही। अब आगे देखना होगा कि मतदाताओं ने किसको अपने समर्थन देकर विजेता बनाकर ग्रामीण बागडोर सौंपेगी। आइए आपको मिलाते हैं कुछ उम्मीदवारों से अपने सहयोगी हिमांशु कुमार के साथ। मेरा नाम है हिमांशु कुमार, इस बीच हम मौजूद है डेहरी प्रखंड परिसर के बाहर, जहां पर प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार नामांकन पर्चा दाखिल करके बाहर आया जा रहा है। इस बीच बता दें कि यहां पर मझिया पंचायत से मुखिया पद के लिए संजय जी के द्वारा भी नामांकन किया गया है। आइए हम उनसे बातें करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। अरे संजय जी, बताइए किस पद के लिए आपके द्वारा नामांकन किया गया है? मुखिया पद के लिए। तो क्या उद्देश्य है और किस मुद्दे के साथ आप इस बार पंचायत चुनाव आ रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। जी, तो इस बीच आप सबका साथ और सबके विकास के लिए आ रहे हैं, तो अपने जो मझिया पंचायत की जनता है उसे क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा साथ दे। मेरा साथ दे, तो क्या आपको जनता अगर इस वर्ष आपको चुनेगी तो क्या उनका विकास कीजिएगा? आप विकास करेंगे। तो आइए, यहाँ पर कुछ अन्य लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा अशोक जी, बताइए कि आप आए हुए हैं इनके समर्थन में आशीर्वाद देने के लिए, तो क्या लगता है ऐसे प्रत्याशियों को मौका देना चाहिए? जी विकास होगा जी, तो आप इन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा। जी, तो आप देख रहे थे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हम ऐसे प्रत्याशियों का सपोर्ट करेंगे, और इनका अपना अपील है कि जनता इनको इस बार चुने मुखिया के रूप में, जो सेवा कर सके मझिया पंचायत का। क्या नाम है आपका? किस पद के लिए अपना नामांकन किया है? हमने वार्ड सदस्य। कहाँ से? जमहार पंचायत वार्ड संख्या कितना से? आठ से। वार्ड सदस्य के लिए किस उम्मीद के और किस मुद्दे से आ रहे हैं इस बार चुनाव में? विकास के लिए। दूसरा बार भी थे। अच्छा, दूसरा बार भी। तो क्या अपील करना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों से? अपने पंचायत वासियों से बहुत ही है, हमको बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिला है। मैं बहुत अपने पंचायत के सभी जनता जन से बहुत उम्मीद है। तो भैया कहना की वार्ड से आ रहे हैं, तो आपका क्या नाम है? देवमुनि जी, आप किस पद से आ रही हैं? पीडीसी से, पंचायत समिति जमहार पंचायत से। तो लगातार लोगों का कहना है कि हर पद से आ रहे हैं और सेवा के भाव से आ रहे हैं। डेहरी कुशवाहा सभा भवन में 75वां वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संस्थापकों को नमन करते हुए ट्रस्टी संरक्षकों, आजीवन सदस्य, दानदाताओं, पूर्व पदाधिकारियों, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों का सम्मान समारोह प्रति भोज समारोह कुशवाहा सभा भवन के अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एवं ट्रस्टी सत्यनारायण स्वामी के संचालन में धूमधाम से सम्पन्न हुआ। रोहतास पुलिस के द्वारा पंचायत चुनाव को देखते हुए जिले में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में पाबंदी हेतु सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक रोहतास को गुप्त सूचना मिली कि बिगरमन थाना अंतर्गत शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन त्वरित कार्रवाई हेतु थाना बिगरमन थाना को बिगरमन मलिया बाग रोड में वाहन जांच लगाकर जांच करने का निर्देश दिया गया, जहां वाहन जांच के दौरान अभियुक्त दिनेश कुमार, लोकुश कुमार कुल 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। इस संबंध में बिक्रमन थाना धारा 30A बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 दर्ज किया गया है। पुलिस पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने हेतु लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। डेहरी प्रखंड कर्जालय में पंचायत चुनाव के लिए मथुरी पंचायत से बेबी देवी ने पंचायत समिति सदस्य के लिए अपना नामांकन अपने समर्थकों के साथ उत्साह पूर्वक किया। वही बेबी देवी ने कहा कि मुझे सामाजिक सेवा करने के लिए मेरा लक्ष्य है और मैं समाज के बीच रहने वाली हूँ, मुझे जनता की भरपूर सहयोग मिलेगा, मैं निष्ठापूर्वक अपने पद का निर्वहन करूंगी। मेरी पंचायत की जनता से प्रार्थना है कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें।